ते बोल देते फोन पे। अरे यार सलामत हो उसके। अरे एक सेकंड एक सेकंड। नीचे आ जा। यार एक हटा रहे हो इसको क्या धक्के दे रहा तू। पूछ रहे हैं वो कुछ तुमसे। मैं बता देती हूँ हर्ष है, ठीक है। मैं हमेशा तुम्हें शादी के लिए इसलिए मना करती थी क्योंकि यार 3 महीने से हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे को लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है, अंडरस्टैंडिंग है, मेरे को बिल्कुल अच्छे से समझता है और मेरी बहुत सारी चीज़ें ना मैच करती है इससे। जैसे मतलब हम होते हैं ना, कुछ नहीं था मतलब यार मैंने कभी तुमको हाँ नहीं बोला, तुम्हें मैंने कभी हाँ नहीं बोला, एक्सेप्ट किया मैंने कभी नहीं किया ना, तो तुम मेरे को प्रॉपरली आप मेरे को गलत नहीं बोल सकते उस चीज़ में कि मैंने या तो मैंने आपको बड़े बड़े सपने दिखाए हो या फिर मैंने बोला हो कि ज़िंदगी भर हम लोग साथ रहेंगे ये है या फिर मैंने कोई रिलेशनशिप स्टार्ट किया हो, ऐसा तो कुछ था ही नहीं ना कभी भी। तो मेरे को गलत कैसे बोल सकते हो आप? गलत मतलब मेरी फीलिंग्स कुछ नहीं थी। अरे भाई बोल तो ये हो कि जब उसने हाई नहीं बोला तेरे से बात कर रहा है क्या तू? नहीं कर जब मैं भी तो बता ही रहा हूं ना तेरे को पता है हमारे बारे में। हां बता रखा है उसने। मेरे किसने क्या बता रखा है? उसने सब बता रखा है। उसने हाई नहीं करी तेरे को तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है उससे? सिंपल सी बात है, फैमिली तक पहुंच चुकी है यहां पर, समझ गया? उसने सब बता रखा है। अगर फैमिली तक पहुंची होती तो अंदर चला जाए। क्यों अंदर चले जा? बात करो चले जा अंदर चला जा यार। कौन सी बात करनी है मेरे सामने कर, कौन सी बात कर? लेट्स भेज दो यार इसे। यार मेरी उससे शादी होने वाली है, हमारे घर पे शादी फिक्स हो गई है इसलिए। यहां घर पे बात, यहां कौन सी घर पे बात हो गई? और यहां पे कुछ भी बोली जा रहा है। और मेरे को ये पसंद है इसलिए मैंने घर पे पापा से इसी की शादी की बात की है और मैंने तुम्हें इसलिए बोला था मेरे को टाइम चाहिए क्योंकि यार मैं तुम्हें बताने मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं तुम्हें बताऊं क्लियरली। भाई क्यों यार उसके आगे बात कर लो, उसको भी हर्ट होगा। डर क्या लग रहा है तुझे? उसको भी हर्ट होगा क्योंकि यार वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये इसीलिए हम लोग मतलब मिल के तुम्हें बता रहे हैं, शायद तुम प्यार से समझ जाओ। मैं बिल्कुल सीरियसली नहीं चाहती कोई ड्रामा क्रिएट हो यहाँ पे, बट आप समझो इस बात को कि मैंने आपको कभी रिलेशनशिप में आने के लिए हाँ नहीं बोला, मैंने शादी के लिए कभी हाँ नहीं बोला। जब मैंने सारी चीज़ें अपनी तरफ से मैं क्लियर थी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार। देखो अगर एक तरफा किसी को प्यार हो रहा है तो उसमें सामने वाले का तो कोई कसूर नहीं है ना यार। सही बात है, तुम्हें मुझसे प्यार था लेकिन मेरे को किसी और से प्यार है ना। 2 मिनट रुक जाए यार, मेरे को जाने बात करने दे यार। अरे तो यहां से लेना, मैं कौन सा रोक रहा हूं तुझे बात कर, क्या बात करनी है तुझे? 2 मिनट के लिए जाओगे भाई यार? भाई तू कर लेना बात, मैं कुछ कह रहा हूं क्रिक्स भेज दो यार। वो इनसिक्योर होगा ना यार, हमारी शादी फिक्स हो गई है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है यार? उसके सामने बात कर लो जो भी करनी है यार। यार मेरे होने वाले हस्बैंड को तो वो तो इनसिक्योर होगा ना यार, प्रोटेक्टिव है यार वो अपनी बंदी को लेके। इसमें क्या हो गया? इसमें कुछ कुछ गलत भी नहीं है, तुम उसके आगे बोल दो जो भी बोलना है मुझे। क्या हुआ बोलोगे कुछ? कुछ नहीं बोलना मुझे यार। क्या कुछ नहीं बोलना? तो भाई छोड़, जो हो गया खत्म कर बात। क्या हाथ हटा ले? ठीक है हाथ हटा लेता हूँ मैं तो तेरे को, ये कह रहा हूँ हमारी तो शादी के कार्ड सब गए, ठीक है? तू कह रहा था ना तेरे घर पे बात हो गई है, ये सच्ची है क्या? हाँ ले देख ले यार, सामने हर्ष और रेट्स लिखा है तो तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? शादी की बात हो गई है, वेडिंग कार्ड है वो, कागज का टुकड़ा नहीं है। और वैसे भी एक सेकंड इसकी डिसरिस्पेक्ट। अरे रहने दे, क्या रहने दे, चौड़ा मत हो यहाँ पे, ठीक है? एक अगर मैं तहजीब से मेरे से बात कर, हो गई बहुत उससे बात, ठीक है? एक तो तुझे तहजीब से बुलाया उसने अगली ने, ठीक है? ऊपर तू उससे जबरदस्ती कर रहा है आके, क्या मतलब है तेरा? उसने अगर ना कर दी तो तुझे समझ नहीं आ रही? तुम्हारे मेरे बीच कुछ गलत हुआ ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने कभी तुम्हें हाँ बोला रिले। अरे मैंने कभी तुम्हें, अरे तो मैंने तुम्हें रिलेशनशिप के लिए भी तो हाँ नहीं बोली थी ना कभी, शादी के लिए भी नहीं कभी करी। अरे तू बता, समझ गया? तुझे हम आराम से बुलाया तेरे को, तो उस चीज की रिस्पेक्ट कर, समझ गया? उसने बुलाया तेरे से बातें क्लियर बुलाया था यार, बता देते जो भी था पहले। नहीं बता, हिम्मत नहीं हो रही थी ना यार बताने की, मेरे को लग रहा था कि यार फीलिंग्स। फोन पे क्लियर कर दो, तुम्हें ही बुलाना था घर पे यार। वो काफी अच्छा दोस्त है ना, मैं उसकी ना बेइज्जती नहीं। क्या अच्छा दोस्त है जो समझ ही नहीं सकता, जो सिचुएशन ही समझ रहा हूँ? क्या अच्छा दोस्त है? नहीं था, मैं कुछ ही नहीं था, मैं कुछ भी नहीं था। अरे यार ठीक है, अरे ओ क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो मेरे घर पे आके लड़ाई करने आए हो, लड़ने आए हो क्या?
मेरे होने वाले पति से लड़ने आए हो क्या? मतलब है ये दोस्तों की तरह रहो अपनी औकात में। दोस्तों पहले बोल देते फोन पे। अरे यार लामत होए उसके। अरे एक सेकंड सुनो गुस्सा मत करो यार, मेरी बात सुनो। खड़े हो, देखो तुम मेरे दोस्त हो हमेशा से, मैं बिल्कुल सीरियसली दोस्ती खराब नहीं करना चाहती। नीचे आ जा, ठीक है? आजा नीचे आजा। यार एक हटा रहे हो, इसको कहीं धक्के दे रहा तू है। अरे एक सेकंड मत करो यार लड़ाई, यहाँ पे फैमिलियर लोग रहते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाना। अरे यार जो भी होगा ठीक है। फिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम नीचे तुम सारे की तुम गुस्सा उस पे क्यों निकाल रहे हो? नीचे मिल। हां चल चल रहा हूं मैं तो तेरे साथ। नीचे ही खड़ा हूं, उसके घर में ही नहीं करना चाह रहा बस। देख लिया वो तो देख लिया। अरे सुनो, अच्छा सुनो कहां जा रहे हो? इधर तो आओ। अरे सुनो तो इधर तो आओ, कहां जा रहे हो? बात तो सुनो, एक मिनट आओ मेरी बात तो सुनो एक बार। अरे यार सुनो मेरी बात। मैं बता रहा हूं, डेढ़ डालो इसको। अरे यार सुनो रुक जा। ठंडा हो ले, पानी पिएगा यार। चल यार क्या हो गया, इतने सीरियस हो गए? मेरे को मार दे, वॉश छूटने वाली है मेरी सच में। यार चल ठंडा हो ले यार। अरे बस सुनो अरे बस दार यार, कैमरा लगा हुआ है यार सामने, मजाक कर रहे थे यार। देख क्या कर दिया यार। यार तुम्हारा हर चीज तुम्हारा यही चलती रही यार। तुम प्रैंक करो, कोई दिक्कत नहीं है। इमोशंस फीलिंग्स कुछ नहीं है यार। तुम में थी इमोशन फीलिंग्स जो मम्मी को घर पे लेके आ गए थे। मेरे को भी हर्ट हुआ था यार, मजाक था यार। जस्ट अ प्रैंक, ठीक है? इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है अभी। हाय कर दो सामने ऑडियंस, रोने लग गए यार तुम तो। बैठ जा, तो हो गई ना यार। तो चल अब तो हो गया ना, बैठ जा। चल जल्दी कैमरे को हाय कर दो, मैं बता रही हूँ, बैठना यार। देखो रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? चल भाई प्रैंक कौन सक्सेसफुल, ये प्रैंक कौन हमें प्रॉमिस। आज के बाद कोई नो मोर प्रैंक्स यार, अब से कोई प्रैंक नहीं होगा पक्का। आज के बाद फिर मेरी भी अब देख लेना यार। नहीं आज के बाद कोई प्रैंक नहीं। तुम्हारे लिए भी मैं भी शादी का रियल में काट लेऊंगा, बहुत टाइम हो गया यार। रोने के लग गए यार, ठीक है हो जाएगी यार। अरे हो जाएगी, रो क्यों रहे हो? अरे कोई नहीं, अब तो कूल डाउन हो। अरे सुनो जल्दी होगा सब कुछ अच्छा, ठीक है? डोंट ट्राई शैली। देखो यार मेरी ऑडियंस वहाँ पे नाराज हो जाएगी अगर आप ऐसे रहोगे तो। क्या हो गया? नहीं कर रहे हैं बंद, ठीक है अभी चुप हो जाओ पहले। ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। देखो तुमने मजाक किया, मैंने मजाक किया, बस स्ट्रेट फॉर टैट और चलो बदला पूरा हो गया। आज के बाद कोई भी किसी पे कोई प्रैंक नहीं करेगा। ये ऑडियंस है जो मेरी, आओगे ये जो मेरी फैमिली है ये सब प्रूफ है, आज के बाद कभी नहीं करेंगे पक्का, ठीक है? अरे नहीं करेंगे ना, नहीं करेगे ना पक्का पक्का, प्रॉमिस पक्के वाला प्रॉमिस बस, ठीक है? हाय तो कर दो अभी कैमरे में एक बार तो कर दो, हाय तो कर दो। सो गाइस फाइनली प्रैंक ऑन अमित बागड़ी सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये कौन है? हर्ष थैंक यू सो मच यार, दीपक का फ्रेंड है, दीपक का दोस्त है और मेरा भी अच्छा भाई है, ठीक है? अभी सही है, है ना? अभी ठंडक है, ठंडक है, ठीक है? तो यार वीडियो अच्छी लगे तो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मेरी वॉच टूट गई है यहाँ पे, कितने हजार के 2.5 लाख रुपए नहीं 3 करोड़ की वॉच टूट चुकी है इस प्रैंक के चक्कर में। इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जिसने अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, यार जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। यार मेरी भी फीलिंग्स के बारे में बता दो कुछ तो, और आप कमेंट करके बताना मुझे अमित कैसा लड़का है, ठीक है? तो फिर मैं उनकी तो सुनूंगी, है ना? उनको तो डिनाई नहीं कर सकती, बता दो। हाँ बताएंगे जल्दी। लव यू ऑल, अच्छे अच्छे वीडियोस आती रहेगी और मेरे को जरूर बताना कि बॉम्बे ले जाऊंगा इसको जल्दी से। अरे अपने आप ही सारी कहानियां भूल लेते हो अपने आप ही, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, जिसने अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। लव यू ऑल, अच्छी वीडियोस आती है और थैंक यू सो मच हर्ष यार, आपने बहुत ज्यादा साथ दिया, आपके बिना तो प्रैंक सक्सेसफुल था ही नहीं। बाकी लव यू ऑल, कीप स्पॉटिंग ऑलवेज।